नमस्कार। 7 दिसंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश ने भी अपनी एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी है और वैसे डेट के हिसाब से तो कल होनी थी, कल पूरा दिन मैं कोशिश करता रहा, आज सुबह सुबह जब उठा 6 बजे तो लिंक लाइव था और ये संडे तक का समय है 12 बजे तक। लेकिन जो मैं हमेशा से समझाता हूँ कि सुबह से सीरम जितनी जल्दी करो उतना अच्छा है। देखिए हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा बेसिक चेंज है लास्ट ईयर के मुकाबले, इस साल जो काउंसलिंग यूनिवर्सिटी है वो चेंज हो गई है और अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश अब इस काउंसलिंग को कंडक्ट कराएगा। तो जैसे आप इसकी वेबसाइट खोलेंगे जो कि इसी का शॉर्ट फॉर्म है अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी AMRU HP.ac.in, आपको सीधा ही काउंसलिंग के पेज खुल रहा है और कुछ अभी होम पेज पे नहीं आ रहा, आसान है ढूंढना। लेफ्ट साइड पे लिंक आ रहा है अप्लाई फॉर एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग, ब्रोशर अभी तक नहीं आया है कि इस साल कुछ अगर चेंजेस है तो, बट आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हिमाचल में क्या तारीफ करूं, सरकारी सीट के लिए ड्रीम स्टेट है, 720 सीटें, 6 सरकारी कॉलेज। हिमाचल प्रदेश के डोमिसाइल को लास्ट ईयर 500 नंबर पे भी जनरल सीट मिलती है, जनरल के बच्चे को सीट मिल जाती है सरकारी, और कैटेगरी में तो आप फिर सोच सकते हैं कहां तक कट ऑफ गिरती है। तो जहां एक तरफ दिल्ली का बच्चा, हरियाणा राजस्थान, दिल्ली राजस्थान का बच्चा 615 पे स्ट्रगल करता है, अगर आप हिमाचल के डोमिसाइल हो तो आपके लिए वही काम 490-500 नंबर पे भी हो जाता है। तो ऑफकोर्स हिमाचल के सारे सरकारी डोमिसाइल लोग तो भरेंगे ही, इसके अलावा हिमाचल के काफी कॉलेज में NRI सीट्स भी होती है, तो जो भी NRI एलिजिबल है वो भी हिमाचल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा डिटेल्स अभी आएंगी जैसे वो ब्रोशर आएगा कि NRI की एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। हरियाणा हिमाचल में खाली एक ही प्राइवेट कॉलेज है विच इज महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज। और देखिए मैं बाबा लोगों को समझाता हूँ कि इसमें और मौलाना अम्बाला वाले में फर्क है, दोनों की मैनेजमेंट सेम है, तकरीबन फीस स्ट्रक्चर भी सेम है, दोनों में तकरीबन 90 लाख रुपए आपके खर्च होते हैं हॉस्टल मिला के। डिग्री भी आपको MMU यूनिवर्सिटी की मिलती है लेकिन इसकी जो काउंसलिंग है वो हिमाचल प्रदेश करता है। तो जो भी लोग MMU सोनल के लिए इंटरेस्टेड है उनको भी फॉर्म भरना होगा, MMU मौलाना अम्बाला के लिए आप MCC जिसमें सारी DMD काउंसलिंग होती है आप उसका वेट करेंगे। फीस मैंने बताई थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, सरकारी की फीस है तो हिमाचल में खासकर ना के बराबर है। लास्ट ईयर 3000 रुपए ट्यूशन फी थी पर ईयर, तो डिस्कस करने वाली बात भी नहीं है। मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे लोकेशन पे है, IGMC शिमला बहुत पुराना शानदार कॉलेज है, 1966 से चल रहा है, उसके बाद टांडा वाला 1996 में स्टार्ट हो गया था, हिमाचल वाला तो शिमला वाला तो 1966 है, यू कैन इमेजिन, और शायद पूरे हिमाचल या शिमला की शान और जान है वो। बाकी जो चारों मेडिकल कॉलेज है वो भी पिछले 5 साल में खोले गए हैं तो उनकी परफॉर्मेंस अभी इम्प्रूव होनी है, और काफी जो लोग ऑल इंडिया कोटा को देखते हैं वो इन दो कॉलेज के अलावा हिमाचल के बाकी 4 कॉलेज को भी ऊपर ही रखते हैं। तो एज फार एज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज कंसर्न शिमला और टांडा के अलावा बाकी 4 कॉलेज की डाउटफुल है, लेट मी टेल यू। लेकिन 3000 रुपए की फीस है तो सरकारी सीट तो कोई छोड़ता नहीं है, बट हाँ हिमाचल के जो टॉपर्स होते हैं वो इन दो कॉलेज के अलावा फिर बाहर जाना पसंद करते हैं ऑल इंडिया कोटा में, बजाय के बाकी के 4 कॉलेज की सीट लेने के जो कि हमीरपुर, नाहन, चंबा और मंडी में है। MMU सोलन बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज, जैसा मैंने कहा कट ऑफ ठीक ठाक नंबरों पे मिल जाता है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात आपको बताऊं तो सेकेंड राउंड में 220 नंबर पर भी मैनेजमेंट सीट मिल गई थी। MMU सोलन प्राइवेट कॉलेज में 2 तरह की सीटें हैं, कुछ सीटें हैं जो कि स्टेट कोटा है जिसमें फीस 40% कम हो जाती है, जब लास्ट ईयर अगर आउटसाइड वालों के लिए 14.5 लाख थी तो हिमाचल प्रदेश वालों के लिए वो फीस 9.5 लाख रुपए साल थी, और उसके हिसाब से मान सकते हैं कि जो पूरा काम है वो 60 लाख में हो जाता है जो कि वैसे 90 में हो रहा है। तो जब आप हिमाचल का बच्चा जब भरता है फॉर्म तो उसको नजर आता है कि MMU मौलाना सोलन स्टेट कोटा, MMU सोलन मैनेजमेंट कोटा, और ऑफकोर्स हिमाचल का बच्चा दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है कि मेरी फर्स्ट चॉइस है स्टेट कोटा, मुझे नहीं मिल रहा है तो भाई मुझे मैनेजमेंट कोटा के लिए भी कंसिडर कर लो। बिल्कुल महंगी सीट को वो लोग मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं, सस्ती सीट को वो स्टेट कोटा बोलते हैं, और वंस अगेन सस्ते सीट के लिए आपको हिमाचल डोमिसाइल, हिमाचल बोनिफाइड रेजिडेंट होना जरूरी है। और सिंपल सा प्रोसीजर है, अभी फॉर्म भरते जाएंगे, अब आगे बढ़ते जाएंगे, फॉर्म भरने के लिए 2 चीजें जो आपको चाहिए वो मैं आपको बता सकता हूँ, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, उसकी स्पेसिफिकेशन उन्होंने दे दी है, बाकी सब डिटेल्स आपके पास मोस्टली होंगी ही।
जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे सबसे पहले वो आपको ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई कराएगा, एक्चुअली ईमेल ही वेरीफाई करा रहा है। फिर आप फॉर्म भरना शुरू कर दोगे, आपके पास सिग्नेचर और फोटोग्राफ होनी चाहिए। फोटोग्राफ का जो साइज है वो उन्होंने बताया है, लगभग 40 GB तक का साइज होना चाहिए, जिसमें जो फेस है वो 80% हो। उन्होंने लिखा है कि कैप या गॉगल्स पहन के फोटो मत खींचिएगा, और उसके अलावा क्लियरली होना चाहिए, काम दिखने चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड पिक्चर में होनी चाहिए और 80% फेस होना चाहिए। तो फोटोग्राफ आप पहले से अरेंज करके रख लीजिए जब आप फॉर्म भरना शुरू करें। सिग्नेचर के लिए इसी तरीके से 20 KB का होना चाहिए, व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक या ब्लू पेन से ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर, व्हाइट पेपर के ऊपर। और सिमिलरली व्हाइट प्लेन पेपर लीजिएगा, वो लाइनों वाला नहीं। और सिमिलरली फोटोग्राफ भी व्हाइट बैकग्राउंड, 80% फेस, 40 KB JPG फोटो, 20 KB JPG सिग्नेचर, राइट। ये सब लेके चलेंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको अपना एड्रेस चाहिए होगा, एलिजिबिलिटी कोई कैटेगरीज है आपकी वो पता होना चाहिए, 12th क्लास के बारे में पूछेगा, नीट स्कोर के बारे में पूछेगा, लास्ट में फीस है कि वेरी फ्रेंकली मुझे भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हमने भी अपने क्लाइंट्स को बताया कि पहले लेकर आओ, प्रोस्पेक्टस निकला नहीं है तो फी नहीं है, बट 2-3 हजार 4 हजार से ऊपर नहीं होती है स्टार्टिंग में। हिमाचल प्रदेश जो मोटी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो राउंड 2 में लेता है, जो लाख रुपए वो लेता है स्पेशली MMA 16 वालों के लिए। तो जो हिमाचल के बाहर के बच्चे भी हैं वो बस एक बैकअप रखना चाहते हैं MMA 16, तो आप ये फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं और देखते हैं क्या होता है। अगर आप ये फी अफोर्ड कर सकते हैं, कॉलेज बहुत अच्छा है, प्राइवेट कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है MMU। आप मौलाना अम्बाला देख करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। ऑफकोर्स पेशेंट इनफ्लो उतना नहीं है जितना मौलाना में नजर आता है, फैकल्टीज अक्सर शेयर की जाती है, लेट मी टेल यू, सो अच्छी फैकल्टीज होती है क्योंकि दोनों जगह सेम फैकल्टीज आती है, कुछ लेक्चर्स यहाँ लेते हैं कुछ लेक्चर्स वहां लेते हैं, क्योंकि दोनों कॉलेज में डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। चंडीगढ़ से जाएंगे तो 2 घंटा ऊपर और इधर 1 घंटा, तो ये लोग ऑफकोर्स एक दिन में नहीं, बट मेरे ही वो जानकार फैकल्टीज हैं जो कि 3 दिन क्लास यहाँ लेते हैं, 2 दिन क्लास वहां लेते हैं, तो बहुत अच्छी रिप्यूटेड फैकल्टीज मिल जाती हैं। फैकल्टीज में खर्चा किया जाता है, इंफ्रा बहुत अच्छा बनाया गया, कोई शक की बात नहीं है, और एवरीथिंग एल्स इज वेरी गुड। तो आगे बढ़िए और हिमाचल का फॉर्म भरना शुरू कीजिए। आप हमारी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं, ओवरऑल काउंसलिंग लेना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अवर हेल्पलाइन नंबर 9643362320, और आप हमारा पैकेज ले सकते हैं अगर आपको हमारा एंड टू एंड सपोर्ट चाहिए लास्ट तक, कि व्हाट इज द बेस्ट एंड द ऑप्टिमल कॉलेज फॉर यू। MMA 16 में देखिए 150 में से 15% NRI सीट्स भी होती हैं, और NRI सीट्स जब NRI नहीं आते हैं तो दे आर ऑल्सो अवेलेबल एट यू नो एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट, तो उसमें भी हम हेल्प करते हैं, तो किसी को भी वो सीट चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।